हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा हमारे इंटरनेट के बारे में और इंटरनेट के कुछ यूज़ के बारे में. ओके, सो आज हम देखेंगे और डिटेल में. नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र. वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स. दीज वेबसाइट ओपन इन स्पेशल सॉफ्टवेयर नोन एज वेब ब्राउज़र. ये जो हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं, कोई भी चीज़ की हो, चाहे वो शॉपिंग की हो या फिर आप गेम्स के लिए या अपनी बुक ऑनलाइन देखने के लिए, कुछ मटेरियल कुछ भी देखने के लिए आप जो वेबसाइट ओपन करते हो, वो वेबसाइट एक सॉफ्टवेयर में ओपन होती है. उसे हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र. सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र आर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम. तो ये जो है वो कॉमनली यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ होते हैं. ओपनिंग अ वेबसाइट. वेबसाइट कैसे ओपन करोगे? टू ओपन अ वेबसाइट, स्टार अ वेब ब्राउज़र एंड टाइप द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इन द एड्रेस बार, देन प्रेस एंटर की. जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है, आपको वेब ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद जो एड्रेस बार है वहाँ पे एड्रेस लिखना है. जैसे कि हमने आगे देखा www.discovery.com, तो ऐसा आपको यहाँ पे एड्रेस बार में लिखना है. ओके, तो फिर एंटर प्रेस करने से वो वेबसाइट ओपन होगी. अब हमने उसके यूज़ देख लिए, इंटरनेट क्या है वो देख लिया. अब हम देखेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. हम इंटरनेट यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज. फर्स्ट, ऑलवेज अवेलेबल. द इंटरनेट इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टू यूज़. यू डो नॉट हैव टू वेट फॉर इट ओपन और वेट फॉर समवन टू मेक इट अवेलेबल. यानी कि इंटरनेट हमेशा आपके लिए अवेलेबल होता है. अगर आपके फ़ोन में, आपके घर पे आपने कनेक्ट किया है, तो वो हमेशा अवेलेबल होता है. आपको उसको यूज़ करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती या किसी को बोलना नहीं पड़ता कि आप इंटरनेट ऑन करो. वेस्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. थिंक ऑफ एनी सर्च टर्म्स एंड टाइप इन टू अ सर्च इंजिन, यू विल फाइंड अ वेबसाइट विद इंफॉर्मेशन ऑन दैट टर्म. यानी कि आप कुछ भी सोचते हो कोई भी टॉपिक के बारे में, आपको क्या करना है, आपको उसको सिर्फ सर्च करना है सर्च इंजन में, एंड आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इंटरनेट दे देगा. ईजी टू कनेक्ट पीपल. द इंटरनेट प्रोवाइड्स मैनी वेज टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद पीपल एट ऑल आवर्स ऑफ द डे एंड नाइट. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंटरनेट की मदद से आप इंसान के साथ कनेक्ट कर सकते हो. यानी कि कोई भी दूर बैठा है, आप उसके साथ मिनटों में यानी कि बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर सकते हो. चाहे वो दिन हो या रात हो, आप उनके साथ बातें कर सकते हो. ऑनलाइन सर्विस एंड ई कॉमर्स. यूजिंग इंटरनेट यू कैन डू मैनी रिलेटेड ऑपरेशंस ऑनलाइन. यू कैन बुक टिकट्स, शॉप ऑनलाइन, ट्रांसफर मनी एंड मैनी मोर. ऑनलाइन की मदद से, ऑनलाइन सर्विसेज की मदद से और ई कॉमर्स की मदद से आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो. उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हो. यानी कि इंटरनेट की मदद से आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो, चाहे वो मूवी की हो या आपकी फ़्लाइट की हो, बस की हो, राइट. शॉपिंग कर सकते हो. ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप लोग, तो हम वो भी कर सकते हैं, है ना. उसके बाद आप ट्रांसफ़र मनी, मनी ट्रांसफ़र यानी कि आप एक दूसरे के अकाउंट में पैसे भी डाल सकते हो. तो ऐसे इंटरनेट के हमारे इतने सारे एडवांटेज हैं. अब एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, है ना. तो चलो वो देखते हैं.